हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभय कुमार शुक्ला, रेलवे एम्प्लॉई, आप सभी का अपने चैनल रेस्टोरेंट फीवर में स्वागत करता हूँ। और जैसा कि अभी बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर, जैसे कि आपने एनटीपीसी का जो कटअप बताया, मैंने अभी तक दो दो बोर्ड कहीं आया जो मैंने बताया उसके सेम एक्यूरेट वही नंबर आया। मैंने बोला 85.66 और कटअप 86 गया। तो वही कुछ बच्चे का कहना था कि सर, आप रैंक आईक्यू के आधार पे या जैसे ही आपने एनटीपीसी को बताया वैसा ही ग्रुप डी का क्या कट ऑफ होगा, इसके रिगार्डिंग बात किया जाए। तो आइए देखिए, वीडियो में पहले ही मैं बता दे रहा हूँ आपको कि अगर जो सच्चाई होगा वही बोलेंगे। ऐसा नहीं कि आपको खुश करने के लिए कुछ भी बोल दिया जाए, तो सच है तो कड़वा थोड़ा होगा ही। और आप रेलवे का जो एनटीपीसी का रिजल्ट है उसके अनुसार से भी देख सकते हैं कि क्या होने वाला है। तो आइए, इसमें दो पार्ट पे बात होगी। एक पहला वैसे बच्चे जो कि रैंक आईक्यू पे अपने डाटा को शेयर कर चुके हैं, और दूसरा वैसे बच्चे जो अभी रैंक आईक्यू पे अपने डाटा को शेयर नहीं किए हैं। दोनों के लिए यह कॉमन होगा और सभी जोन के लिए। कोई भी ऐसा जोन नहीं है जहाँ पे ऐसा कहा जाए कि यह जोन डेंजर है और यह जोन आसान है। वो रिजल्ट होने वाला है जो है वहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि कितना कट ऑफ किया जा रहा है। तो आइए, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि मेरा एक दूसरा चैनल जो कि शुक्ला जी ब्लॉग करके है, अभी उस पर वीडियो तो मैंने नहीं डाला लेकिन उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। और ग्रुप डी वालों के लिए तो खैर वह स्पेशल होगा, उसमें यह सारे आप एक ग्रुप डी के जितने भी स्टूडेंट हैं या जो भी कैटेगरी है उनका क्या लाइफ स्टाइल है, कैसे रहते हैं, जॉब प्रोफाइल क्या है, उस ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। वो जल्द ही शुरू होने वाला है क्योंकि अभी मैं बहुत दिन से अपने ड्यूटी पे अब्सेंट था, तो अभी मैं फाइनली ज्वाइन कर लिया हूँ। तो आप सभी को अब रेगुलर वीडियो उस पर मिलेगा, और शायद शुरुआत आसाम का एक द बेस्ट प्लेस कामाख्या टेम्पल से शुरू हो, तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए बात करते हैं कटअप से रिगार्डिंग। देखिए, अगर आप रैंक आईक्यू पे हैं, अगर डाटा को शेयर किए हैं, तो देखिए वहाँ पे दो चीज़, एक चीज़ को मैं बहुत स्ट्रांगली व्यू करने के बाद मैं आपसे बता रहा हूँ कि अगर आप उसमें परसेंटाइल में वैसा बच्चा जो 85 परसेंटाइल से ऊपर ला रहा है, जो कि रैंक आईक्यू पे भी शेयर किया है, उसका श्योर है कि वह फाइनल मेरिट में उसका आ रहा है, वह अपने रनिंग पे पूरा ध्यान दे, फोकस किए हुए रहे। जिसका 80% है और 80 परसेंटाइल है अभी, वह परसेंटाइल धीरे धीरे बढ़ेगा। तो उनका परसेंटाइल जो 80 परसेंटाइल से ऊपर में आ रहे हैं वो भी सेफ रेंज में रहेंगे। कब? क्योंकि जब बच्चा, और अभी तो संख्या कम है, उतना ही में आपका परसेंटाइल अगर अच्छा है, तो जब बच्चा का संख्या ज़्यादा होगा तो उन लोगों का नंबर कम है तो आपका परसेंटाइल और बढ़ेगा। उस प्रकार से 80 परसेंटाइल वाले फिर सेफ जोन में चले जाएंगे। यानी वैसे देखिए दो प्रकार से होता है, एक जिनका मेरिट बनेगा और एक ऐसे हैं जिनका रिजल्ट तो आएगा, रनिंग भी करेंगे लेकिन मेरिट तक नहीं जा सकते हैं। तो अगर आप 80 परसेंटाइल अभी आपका दिखा रहा है तो आपका बढ़ने वाला है। तो मेरिट का चांस अगर कोई करता है कि अगर मेरा फाइनल मेरिट कब तक बन जाएगा, तो वैसे बच्चे जो रैंक आईक्यू पे डाले हैं, अगर वह 80 परसेंटाइल आ रहा है अभी भी, वो अपने रनिंग पे ध्यान दे और उनका फाइनल मेरिट बनने वाला है, 80 परसेंटाइल से ऊपर है। लेकिन इससे नीचे वाले क्या रनिंग छोड़ देंगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि यह डाटा कोई ऑथेंटिक नहीं कर सकता है, क्योंकि कि अभी सारे लोग नहीं डाले हैं। उसके नीचे वाले भी अपना रनिंग करते रहे, उनका इंक्रीज होगा, लेकिन ये वाले फिक्स है कि मेरिट में बनने जा रहे हैं, इनका मेरिट होगा। क्योंकि इसमें बहुत ऐसे भी बच्चे हैं जो लेवल 5-6 में थे और उनका भी नंबर अच्छा आया हुआ है, उनका परसेंटाइल 90 परसेंटाइल बन रहा था, लेकिन फिर भी वो क्या होगा, अब फाइनली छोड़ देंगे, वो ग्रुप डी के रनिंग में नहीं जाएंगे। तो वे बच्चे भी कहीं ना कहीं कंसिडर हो रहे थे, तो वो हटेंगे तो उनका परसेंटाइल जो अच्छे वाले थे वो हट जाएंगे, तो नीचे वाले को भी मौका मिलेगा। तो 80 परसेंटाइल से ऊपर जितने भी बच्चे हैं उनका तो फिक्स है कि मेरिट बनने जा रहा है, आप तो एकदम उसका अपना प्रिपरेशन पे लग जाइए। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका कहना है कि सर, बहुत ऐसे लोग हैं जो तो डाले ही नहीं है रैंक आईक्यू पे, तो क्या उनका सिलेक्शन नहीं होगा, या उनके लिए आपने कभी कट ऑफ नहीं बताया? तो देखिए, जहाँ तक मैंने बहुत सारे बोर्ड का देखा मार्क्स उसके अनुसार से, या मैं हम लोग भी जब दिए थे, तो देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आपका नंबर 60 नंबर से ऊपर है, देखिए जो भी है सो सच्चाई में, अगर आप 60, जैसे 60 नंबर से ऊपर क्यों बोले, आप बोलिएगा कि कुछ लोग बोल रहे थे कि बहुत सारा कमजोर जोन है जहाँ पे नंबर कम भी आ रहा है तो हो जाएगा। भाई 60 से नीचे अगर जनरल कैटेगरी में हो तो बहुत कम चांस रखना। हाँ, हो सकता है उस शिफ्ट में अगर आपका शिफ्ट बहुत ही टफ आया है, उसमें अगर आप हाईएस्ट ही 70 नंबर लाया है, तो उसमें तो 50 वाले का भी होगा,
जनरल कैटेगरी से, तो उसमें ओबीसी एससी एसटी में 40-45 नंबर वाले का भी हो सकता है। वो एक्सेप्शनल शिफ्ट है जो कि बहुत ही टफ है, तो उसमें होने का मैक्सिमम चांस रहेगा। लेकिन अगर एक जनरली बात किया जाए सभी बोर्ड का, तो जो 60+ बच्चे हैं जो कि जनरल कैटेगरी से हैं, उनका एक सेफ रेंज रहेगा और वह हो सकते हैं। ये उनको मैं बोल रहा हूँ जो अपने डाटा को नहीं शेयर किए हैं रैंक आईक्यू पे, जो शेयर किए हैं वो तो अपने परसेंटाइल को देख ही रहे हैं कि मेरा शिफ्ट हार्ड था या आसान था। तो अगर आपके कांटेक्ट में कोई है जो आपके शिफ्ट का रैंक आईक्यू पे डाला है, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। नहीं तो अगर रैंक आईक्यू अपने डाटा को ऑथेंटिकेशन के साथ शेयर करता है, तो मैं आप सभी के साथ वीडियो जरूर बताऊंगा और उसमें बताऊंगा कि कौन सा जोन कैसा सेफ है। अभी झूठ का कहना यह हमको अच्छा नहीं लग रहा है, कैसे कि ऐसा नहीं है कि केवल हमको व्यू बढ़ाना है और सब चैनल की तरह की बता दिए ये जोन तो एकदम आसान है, पता चला बाद में वही जोन सबसे हार्ड है। हम लोग भी जब गुवाहाटी में डाले थे तो सभी लोग बोलता था अरे उसमें तो 30-40 नंबर ला देगा तो हो जाएगा, नौकरी करेगा, पता चला कि भारत का दूसरा सबसे टॉप बोर्ड यहीं था। तो ये सब प्रेडिक्शन झूठा प्रेडिक्शन नहीं होगा, जब कोई ऑथेंटिक डाटा किसी के थ्रू आएगा तो उसी पे बात किया जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से 60+ में हैं और या ओबीसी कैटेगरी से 55+ में, ये भी नहीं कहूँगा कि 50+ में, 55+ में है जनरली, तो आप अपने आप को सिक्योर जोन में रखिए, उसी तरह से नीचे वाले। लेकिन आप अगर रैंक आईक्यू पे डाल दिए हैं तो जो मैंने परसेंटाइल बताया, सभी का परसेंटाइल उसके कैटेगरी के अनुसार से उस पर दिखा रहा है, तो अगर उस परसेंटाइल में यानी 80% से ऊपर है तो बिल्कुल सेफ है। लेकिन अभी भी मैं बोलूँगा कि रनिंग सभी लोग करें। बहुत लोग ऐसे हैं जो इस वीडियो पे कहते हैं कि आप तो डिमोटिवेट कर रहे हैं कि आप रनिंग नहीं करने दीजिएगा। हम बोले रनिंग का मैंने ये कभी नहीं कहा कि आप रनिंग नहीं कीजिए, आप रनिंग कीजिए, लेकिन अगर आप बिल्कुल मेरिट से बात करते हो कि कितना पे मेरिट बनेगा तो आपका यह चांस रहेगा। ऐसा थोड़ा कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मेरिट रनिंग ना कीजिए, आप रनिंग कीजिए, सभी लोग रनिंग करें, क्योंकि ये कोई नहीं जान रहा है कि कौन सा शिफ्ट बहुत टफ है, केवल अभी जो रैंक आईक्यू शेयर किया है उतना ही लोगों को पता है। तो हो सकता है कि आप कम नंबर वाले भी हैं, अगर उस रेंज में हैं तो आपका फाइनल हो सकता है। तो इसलिए अगर आप जिसका 60 से नीचे भी है लेकिन अगर टफ शिफ्ट है तो हो सकता है उसका सिलेक्शन। तो रनिंग सभी लोग कीजिए, रनिंग करने में कोई दिक्कत है, कोई नहीं करेगा कि हम रनिंग ना करें। हाँ, अब जिसका 30 नंबर है वो तो रनिंग नहीं करेगा, वो तो अभी सोचेगा कि रिजल्ट को आने दीजिए। तो देखिए जो सच्चाई है वो जल्दी बोलना नहीं चाह रहा है कोई, क्योंकि अगर सच्चाई बोल देगा तो उसका व्यू नहीं जाएगा, व्यू नहीं जाएगा तो उसको तो अपना उसे हमको उससे मतलब नहीं है। हमको आप ऐसा ना कि अभी आपको दिलासा दिए, जैसे चेन्नई में एक लड़का था मुझे बहुत अच्छा से याद था, उसका 80 नंबर आ रहा था और मैं जब उसको बोला था वहाँ पे कि कट ऑफ 85+ जाएगा, तो मेरे चैनल पे बहुत अशब्द में लिखा और बोला कि अगर जिस दिन जाएगा उस दिन मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। बोले कुछ नहीं करेगा तू, और तुम्हारे जैसे बच्चे का होगा भी नहीं, क्योंकि अगर जो कंडीशन है भाई जो सही है उसको तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जो बच्चा अगर वहाँ ज़्यादा नंबर लाया हुआ है तो उसमें आप कैसे सोच सकते हैं कि आपका कम नंबर पे हो जाएगा। तो जो है उसे फाइट कीजिए, उस कैटेगरी में रहना पड़ेगा तो आपको फाइनल मेरिट बनेगा। बाकी देखिए अगर जैसे जैसे अपडेट आ रहा है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और चलिए आपको धीरे धीरे सभी पोस्ट, कुछ लोग अभी इधर बोल रहे हैं कि इसमें सबसे ख़राब पोस्ट कौन है सर, सबसे अच्छा पोस्ट कौन है ग्रुप डी का, ये सारे बात की जाएगी। कैसा टाइप 1 टाइप 2 क्वार्टर कैसा मिल रहा है, ये सारी चीज़ आपको धीरे धीरे अब मिलेंगे, क्योंकि मैं भी कुछ दिन से था थोड़ा बिजी, अब कंटिन्यू हो गया हूँ, तो आपको सारे A to Z वीडियो मिलेंगे कि कैसा क्या लाइफ स्टाइल क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।